गुड मॉर्निंग बच्चों, आज के इस केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है। आज के इस क्लास का टॉपिक है एसिटी ऑफ फिनाल। एसिटी ऑफ फिनाल जानने के पहले हम देखेंगे फिनाल्स क्या होते हैं। व्हाट इज फिनाल? जब भी किसी एरोमेटिक कंपाउंड पे डायरेक्टली कोई हाइड्रॉक्सी ग्रुप अटैच हो जाता है तो वह कंपाउंड फिनाल कहलाता है। यह है सिंपलेस्ट फिनाल या हाइड्रॉक्सी बेंजीन। ऑर्थोक्लोरो फिनाल ऑर्थोनाइट्रो फिनाल। तो एरोमेटिक रिंग से जब कोई एल्कोहल OH ग्रुप डायरेक्ट अटैच होता है तो वह कंपाउंड फिनाल कहलाता है। और फिनाल के सब्स्टिट्यूएंट रहने पे देखिए, जैसे क्लोरीन आर्थो पोजीशन पे लगेगा तो आर्थोक्लोरोफिनाल, आर्थो पोजीशन पे नाइट्रो रहने पे कंपाउंड का नेम आर्थोनाइट्रोफिनाल, इस कंपाउंड का नाम मेटानाइट्रोफिनाल। तो हमने देखा फिनाल्स क्या होते हैं। रिंग से डायरेक्ट हाइड्रॉक्सी ग्रुप अटैच होने पे कंपाउंड फिनाल कहलाते हैं। फिनाल और एल्कोहल में एक बेसिक डिफरेंस है। देखिए ये कंपाउंड इसमें एरोमेटिक ग्रुप है, देखिए एरोमेटिक ग्रुप है, लेकिन ये कंपाउंड फिनाल नहीं, एल्कोहल है। इसमें OH ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है उसको देखिए, अटैच्ड कार्बन एलिफैटिक ग्रुप है। तो जब एलिफैटिक ग्रुप से हाइड्रॉक्सी ग्रुप अटैच होता है तो वह कंपाउंड फिनाल ना होकर के एल्कोहल होता है। तो ये एल्कोहल है और ये फिनाल। तो एल्कोहल क्या होता है? तो एल्कोहल में हाइड्रॉक्सी ग्रुप डायरेक्टली अटैच विथ एलिफैटिक एल्किल ग्रुप या एल्किल ग्रुप, हाइड्रॉक्सी ग्रुप डायरेक्टली अटैच्ड विथ एल्किल ग्रुप। तो ये एल्कोहल का एक एग्जांपल है। दूसरा एग्जांपल भी देख लीजिए, एल्कोहल है, ये भी एल्कोहल है, ये भी एल्कोहल है। तो जब एलिफैटिक ग्रुप एल्किल ग्रुप से OH ग्रुप अटैच होता है तो वह कंपाउंड एल्कोहल कहलाता है। और फिनाल क्या होता है? एरोमेटिक रिंग से हाइड्रॉक्सी ग्रुप अगर डायरेक्ट अटैच होता है तो वह कंपाउंड फिनाल कहलाता है। आइए अब हम देखते हैं एसिडिटी ऑफ फिनाल। एसिडिटी ऑफ फिनाल, एसिड क्या होता है? H प्लस डोनर। एसिड स्ट्रेंथ इज ऑफ रिलीज ऑफ एच प्लस। एसिड स्ट्रेंथ को हम समझेंगे इज ऑफ रिलीज ऑफ एच प्लस। जितनी आसानी से कोई कंपाउंड एच प्लस रिलीज करता है उसकी एसिड स्ट्रेंथ उतनी ही अधिक होती है।
एसिड का टेस्ट कैसे करते हैं, एसिड का जनरल टेस्ट क्या होता है, कंपाउंड लेते हैं, कंपाउंड को सोडियम बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन के साथ ट्रीट कराते हैं, रिएक्शन कराते हैं कंपाउंड को सोडियम बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन के साथ, साल्ट बनता है और CO2 गैस इफर्वेसेंस के साथ रिलीज होती है, CO2 गैस बुदबुदाहट के साथ निकलती है। तो ये एक जनरल टेस्ट होता है, कौन से एसिड यह टेस्ट देंगे, ट्रू एसिड, गिव्स दिस टेस्ट। ट्रू एसिड कौन होते हैं, वे एसिड जो सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करके CO2 गैस लिबरेट करते हैं ट्रू एसिड कहलाते हैं, और उनका स्ट्रेंथ H2O से अधिक होता है। एसिड हैविंग एसिड स्ट्रेंथ ग्रेटर देन H2O इज जनरली कॉल्ड ट्रू एसिड। H2O से ज़्यादा एसिडिक होने पे वह कंपाउंड ट्रू एसिड कहलाता है, और H2O से कम एसिडिटी रहने पे वह ट्रू एसिड नहीं होता है। एसिडिटी आप फिनाल्स की जब हम बात करते हैं तो आपको लगता होगा कि फिनाल एसिडिक होता है, H2O से ज़्यादा एसिडिक होता है, जबकि ऐसा नहीं है, फिनाल इज लेस एसिडिक देन H2O। फिनाल सोडियम बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन के साथ CO2 गैस नहीं देता है। फिनाल डज नॉट गिव CO2 विथ सोडियम बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन, दैट मीन्स फिनाल इज नॉट ट्रू एसिड। फिनाल को जब हम किसी एक्टिव मेटल से ट्रीट कराते हैं, एक्टिव मेटल जैसे सोडियम के साथ ट्रीट कराते हैं, तो साल्ट के रूप में सोडियम फिनॉक्साइड देता है और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है। फिनाल को हमने ट्रीट कराया सोडियम मेटल से, सोडियम क्या है, एक्टिव मेटल, एक्टिव मेटल के साथ ट्रीट कराए तो सोडियम फिनॉक्साइड बना। तो जब भी किसी एक्टिव मेटल से फिनाल को ट्रीट कराते हैं तो सोडियम फिनॉक्साइड या फिनॉक्साइड आयन बनता है, दूसरे शब्दों में कह सकते हैं साल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है। तो यहाँ पे फिनाल एसिडिक नेचर शो कर रहा है, इसके एसिडिक नेचर शो करने का रीज़न हम इस टॉपिक में समझेंगे, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस। एसिडिटी या फिनाल्स की बात होने पे आप जनरली ये समझेंगे कि फिनाल H2O से स्ट्रांग एसिड होता है, जबकि ऐसा नहीं है, फिनाल इज लेस एसिडिक देन H2O। बट व्हेन वी ट्रीट फिनाल विथ सोडियम मेटल इट गिव्स सोडियम फेनॉक्साइड। तो यहाँ सोडियम मेटल के साथ ट्रीट करने पे सोडियम फेनॉक्साइड साल्ट बनता है और हाइड्रोजन रिलीज होता है। इस प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करने के लिए फर्स्ट रीजन है, रिजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ फिनाल, फिनाल के रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर को हम देखेंगे।
ये फिनाल है, ये फिनाल, रेजोनेंस के कारण इतने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के रूप में पाया जाता है। देखिए ये फिनाल है, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, इनका रिजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर क्या होगा? तो ये स्ट्रक्चर फिनाल का रिजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर है, रिजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। तीन रिजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर में देखिए ऑक्सीजन एटम क्या है, पॉजिटिव चार्ज कैरी कर रहा है, यहाँ देखिए पॉजिटिव चार्ज, यहाँ भी पॉजिटिव चार्ज, यहाँ भी पॉजिटिव चार्ज। तीन रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर में ऑक्सीजन अपने लोन पेयर को, रिंग को दे रहा है और रिंग में वो इलेक्ट्रॉन या वो लोन पेयर डीलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है, या बेंजीन के रिंग को अपना इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है। तीन ऑक्सीजन एटम पे पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को क्या करेगा, और इंक्रीज करेगा, ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज इट मीन्स लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन, निगेटिव चार्ज एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो पॉजिटिव चार्ज ऑफ ऑक्सीजन एटम इंक्रीज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन एटम, एंड दिस इंक्रीज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन एटम शिफ्ट इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ दिस OH बॉन्ड। ये दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर O और H के बीच जो इलेक्ट्रॉन पेयर हैं हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के या ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज के कारण ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं और एज ए रिजल्ट फिनाल से एच प्लस का निकलना कंपैरेटिवली इजी हो जाता है। तीन रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर से क्लियर होता है कि ऑक्सीजन पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, और ये पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को इनक्रीज कर देता है और इन्हांस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन एटम शिफ्ट दिस इलेक्ट्रॉन पेयर टूवर्ड्स इट सेल्फ एंड एज ए रिजल्ट रिलीज ऑफ एच प्लस बिकम्स ई जी। तो इस पॉजिटिव चार्ज के कारण ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाती है और इस बढ़े हुए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण इस OH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट कर जाते हैं, जिसके कारण एच प्लस का रिलीज कंपेरेटिवली आसान हो जाता है। तो यहाँ से एक एक्सप्लेनेशन है, रिजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ फिनाल्स रिवील्स दैट ऑक्सीजन कैरीज पॉजिटिव चार्ज एंड दिस पॉजिटिव चार्ज इन्हांस द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन एंड इन्हांस्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन शिफ्ट दिस इलेक्ट्रॉन पेयर टूवर्ड्स इट्सेल्फ
दैट्स वाई रिलीज ऑफ एच प्लस बिकम्स ई जी. रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ फिनॉल्स क्लियर दैट देयर इज पॉजिटिव चार्ज ऑन ऑक्सीजन एटम. दिस पॉजिटिव चार्ज इनहांस इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन एंड शिफ्ट शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ OH बॉन्ड टुवर्ड्स itself. As a result, result of H plus becomes easier. रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ फिनॉल्स क्लियर दैट देयर इज पॉजिटिव चार्ज ऑन ऑक्सीजन एटम. दिस पॉजिटिव चार्ज इनहांस इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन एंड शिफ्ट शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ OH बॉन्ड टुवर्ड्स इटसेल्फ. एज ए रिजल्ट रिलीज ऑफ H प्लस बिकम्स ईजियर. देखिए इस ऑक्सीजन एटम पर पॉजिटिव चार्ज होने से इसके इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इंक्रीज हो जाती है जिसके कारण इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं और H प्लस का रिलीज आसान हो जाता है. तो फर्स्ट एक्सप्लेनेशन. अब सेकंड एक्सप्लेनेशन देखेंगे हम. सेकंड एक्सप्लेनेशन रिजोनेंस स्टेबिलाइजेशन ऑफ फेनॉक्साइड आयन. दिस इज फिनॉल. And after releasing H plus, it gives phenoxide ion and H plus. This is phenol, and it shows SD character as it releases H plus and gives phenoxide ion. And this phenoxide ion is resonance stabilized.
देखिए ये रिजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ फेनॉक्साइड आयन है, तो फेनॉक्साइड आयन रिजोनेंस के कारण हाईली स्टेबलाइज्ड है। फेनॉक्साइड आयन स्टेबलाइज्ड बाय रिजोनेंस। तो सेकंड एक्सप्लेनेशन, रिजोनेंस स्टेबलाइजेशन ऑफ फेनॉक्साइड आयन, फिनाल्स रिलीज एच प्लस एंड गिव्स फेनॉक्साइड आयन, एंड दिस फेनॉक्साइड आयन इज रिजोनेंस स्टेबलाइज्ड बाय रिजोनेंस। देखिए इतने सारे रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर है और ये रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स इस फेनॉक्साइड आयन को स्टेबलाइजेशन देते हैं, स्टेबलाइज करते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि फिनाल एसिडिक होता है, उसके एसिडिक होने के दो रीज़न हैं। फर्स्ट रीज़न क्या है, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ फिनाल्स एक्सप्लेन दैट रिवील्स दैट देयर इज पॉजिटिव चार्ज ऑन ऑक्सीजन एटम एंड दैट पॉजिटिव चार्ज ऑन ऑक्सीजन एटम इन्हांस इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन। एज ए कॉन्सिक्वेंस इलेक्ट्रॉन शेयर ऑफ ओ एच बॉन्ड शिफ्ट टूआर्ड ऑक्सीजन एंड रिलीज ऑफ एच प्लस बिकम्स ईजियर। एंड सेकेंड एक्सप्लेनेशन इज दैट वेन फिनाल्स गिव्स एच प्लस एंड फॉर्म फेनॉक्साइड आयन, दिस फेनॉक्साइड आयन इज स्टेबलाइज्ड बाई रिजोनेंस। दिस फेनॉक्साइड आयन इन्वॉल्व इन रिजोनेंस एंड गिव्स दीज रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। कंबाइंड फॉर्म ऑफ दीज रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज रिजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। यह है फेनॉक्साइड आयन का रिजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। अब इसके बाद हम देखेंगे कंपैरिजन विथ एल्कोहल्स। देखिए ये एल्कोहल है, एल्कोहल में भी ओ एच बॉन्ड होता है, हाइड्रॉक्सी बॉन्ड होता है। एक एग्जांपल लेके हम देखेंगे, इथेनॉल का एक एग्जांपल लेंगे और समझेंगे क्या यह इथेनॉल फिनाल की तरह से रिजोनेंस स्ट्रक्चर शो करता है। यहाँ देखिए ऑक्सीजन एटम पे लोन पेयर है, फिनाल में भी लोन पेयर था, क्या ये रिजोनेंस कर सकता है? अगर ये यहाँ शिफ्ट करेगा तो, अगर ये यहाँ के बॉन्ड शिफ्ट करेंगे तो ये पूरा स्पीसीज बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा और ये स्पीसीज डैमेज हो जाएगी। इसके लिए रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो करना पॉसिबल नहीं है, फेल टू रिजोनेट, एल्कोहल रिजोनेंस नहीं कर सकता, इस कारण इसके ऑक्सीजन एटम पर पॉजिटिव चार्ज नहीं आ पाता। तो फर्स्ट एक्सप्लेनेशन दैट एल्कोहल इज नॉट एज एसिडिक एज फिनाल, फर्स्ट एक्सप्लेनेशन इट कैन नॉट रिजोनेट एंड देयर इज नो पॉजिटिव चार्ज फॉर्मेशन ऑन पॉजिटिव चार्ज, नो पॉजिटिव चार्ज फॉर्मेशन ऑन ऑक्सीजन एटम। तो फर्स्ट एक्सप्लेनेशन क्या है, फेल टू रिजोनेट एंड नो पॉजिटिव चार्ज फॉर्मेशन ऑन ऑक्सीजन एटम। एंड सेकेंड एक्सप्लेनेशन, After releasing H plus, it gives
एथॉक्साइड आयन, आफ्टर रिलीजिंग H प्लस दिस एथेनॉल गिव्स एथॉक्साइड आयन एंड दिस एथॉक्साइड आयन फेल टू रिजोनेंस, फेल टू रिजोनेट, एथॉक्साइड आयन फेल टू रिजोनेट और रिजोनेंस नहीं करने के कारण, रिजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं होने के कारण एथॉक्साइड आयन क्या है, अनस्टेबल है, वेरी अनस्टेबल। तो एल्कोहल एसिडिक नहीं होते हैं, इसके दो रीजन हैं, एल्कोहल फेल टू रिजोनेट, नो पॉजिटिव चार्ज फॉर्मेशन ऑन ऑक्सीजन एटम एंड सेकेंड एक्सप्लेनेशन आफ्टर रिलीजिंग एच प्लस एथॉक्साइड आयन डज नॉट रिजोनेट, दैट्स वाई इट इज़ वेरी अनस्टेबल। तो यहाँ आपने देखा कि फिनाल एसिडिक होते हैं, उसके एसिडिक होने का रीजन क्या है, और एल्कोहल एसिडिक नहीं होते। फिनाल के कंपेरिजन एल्कोहल की एसिडिटी कम होती है, या फिनाल इज मोर एसिडिक देन एल्कोहल। इसके बाद देखेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग एसिड स्ट्रेंथ, फैक्टर्स अफेक्टिंग एसिड स्ट्रेंथ ऑफ फिनॉल्स। फिनॉल्स गिव्स H प्लस एंड फॉर्म फेनॉक्साइड आयन एंड दिस फेनॉक्साइड आयन गिव्स वेरियस रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स एंड कंबाइंड फॉर्म ऑफ दैट रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज दिस। रिजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर ऑफ फेनॉक्साइड आयन इज दिस। विच फैक्टर, द फैक्टर विच स्टेबलाइज दिस फेनॉक्साइड आयन इज एसिड स्ट्रेंथनिंग ग्रुप। सपोज दैट सम इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप डायरेक्टली अटैच विथ दिस रिंग, इलेक्ट्रॉन विड्रॉन ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप डिस्पर्स दिस नेगेटिव चार्ज ऑफ रिंग। इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप स्टेबिलाइज फेनॉक्साइड आयन एंड इज एसिड स्ट्रेंथेनिंग ग्रुप। यहाँ से ये क्लियर होता है कि जब भी फेनॉक्साइड आयन से कोई इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप अटैच होगा तो फेनॉक्साइड आयन की स्टेबिलिटी को वो इंक्रीज करेगा, और फेनॉक्साइड आयन की स्टेबिलिटी को जो फैक्टर इंक्रीज करेंगे वो एसिड स्ट्रेंथेनिंग ग्रुप होंगे। यानी कि जब भी किसी रिंग से इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप लाइक नाइट्रो ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, सल्फोनिक ग्रुप लाइक नाइट्रो सल्फोनिक, हैलो
एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, ये ग्रुप जब भी रिंग से अटैच होंगे तो एसिड की स्ट्रेंथ को बढ़ाएंगे, और अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप इस फेनॉक्साइड आयन से इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप डायरेक्टली अटैच होंगे तो इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे, और इस इलेक्ट्रॉन रिलीज से इस फेनॉक्साइड आयन का नेगेटिव चार्ज और इंटेंसिफाई होगा, एज ए रिजल्ट फेनॉक्साइड आयन डीस्टेबलाइज होगा, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप डीस्टेबलाइज फेनॉक्साइड आयन एंड इज एसिड वीकेनिंग ग्रुप। तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप कौन से होते हैं? एल्किल ग्रुप, एल्कोहल ग्रुप, एमीन ग्रुप, तो ये ग्रुप जब भी किसी फेनॉक्साइड या फिनाल से अटैच होंगे तो इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे, उसके इलेक्ट्रॉन रिलीज से फेनॉक्साइड आयन का स्टेबलाइजेशन डिक्रीज होगा। तो इस प्रकार हमने देखा कि जब किसी फिनाल से इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप अटैच होता है तो वो उसके एसिड स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, और वे ग्रुप एसिड स्ट्रेंथेनिंग ग्रुप कहलाते हैं, और जब कभी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप फिनाल से अटैच होता है तो वह फेनॉक्साइड आयन की स्टेबिलिटी को घटाता है, और वह ग्रुप एसिड वीकेनिंग ग्रुप कहलाता है। तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप एसिड वीकेनिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप एसिड स्ट्रेंथेनिंग ग्रुप। आज का वीडियो बस इतना ही बच्चों, आप आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक का बटन ज़रूर दबाएँ, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें।